हिंडनबर्ग रिसर्च की एक रिपोर्ट ने अडानी ग्रुप को बुरी तरह से झकझोर कर रख दिया है। ग्रुप की मार्केट वैल्यू को $120 अरब से अधिक का नुकसान हुआ है। हालत ये हो गई है कि अडानी ग्रुप अपने रेवेन्यू ग्रोथ टारगेट कम करने और कैपेक्स में कटौती करने की योजना बना रहा है। ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट के मुताबिक अडानी ग्रुप ने अगले फाइनेंशियल ईयर में 40% ग्रोथ का अनुमान जताया था, लेकिन अब इसे घटाकर 15-20% किया जा सकता है। साथ ही कैपिटल एक्सपेंडिचर प्लान में भी कटौती करने की योजना है। ग्रुप आक्रामक तरीके से अपना कारोबार फैला रहा था, लेकिन हिंडनबर्ग की रिपोर्ट ने उसकी साख को बट्टा लगा दिया है। गौतम अदानी की अगुवाई वाला ये ग्रुप अब अपने फाइनेंशियल हेल्थ को दुरुस्त करने में जुटा है। रिपोर्ट के मुताबिक अदानी ग्रुप का फोकस अब कैश बचाने, कर्ज के भुगतान और गिरवी रखे शेयरों को छुड़वाने पर होगा। हिंडनबर्ग रिसर्च ने 24 जनवरी को अदानी ग्रुप के बारे में एक नेगेटिव रिपोर्ट जारी की थी। इस रिपोर्ट में दावा किया गया था कि अदानी ग्रुप ने शेयरों के साथ छेड़छाड़ की है। हालांकि अदानी ग्रुप ने इन आरोपों का खंडन किया, लेकिन इस रिपोर्ट के आने के बाद अदानी ग्रुप के शेयरों में भारी गिरावट आई। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक अगर अदानी ग्रुप 3 महीने के लिए निवेश प्लान को रोकता है तो उसे $3 अरब की बचत हो सकती है। इस रकम को कर्ज के भुगतान या कैश बढ़ाने में इस्तेमाल किया जा सकता है। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि ग्रुप अभी इन योजनाओं की समीक्षा कर रहा है, आने वाले दिनों में इसे अंतिम रूप दिया जा सकता है। इस बीच अदानी ग्रुप की 3 कंपनियों ने बैंकों के पास अपने अतिरिक्त शेयर गिरवी रखे हैं। इन बैंकों ने अदानी ग्रुप की फ्लैगशिप कंपनी अदानी एंटरप्राइजेस को कर्ज दे रखा है। इन कंपनियों ने अपने शेयर SBI कैप ट्रस्टी कंपनी के पास गिरवी रखे हैं। इनमें अदानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन, अदानी ट्रांसमिशन लिमिटेड और अदानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड शामिल हैं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।